तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी ड्रिल्स वगैरह रखी हुई हैं, हर तरह के, हर साइज़ के, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे ड्रिल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। जो भी दिखा रहा हूँ नंबर वगैरह सब इस पर लिखे हुए हैं। कंपनी में, कमर्शियल यूज़ में, हर तरह के जो है यूज़ में लेने वाले ड्रिल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी लगी हुई ड्रिल्स की, आप देख सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रोशन प्रो। दोस्तों आज मैं आया हूँ मीना बाजार जामा मस्जिद टूल्स मार्केट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी शॉप जहाँ आपको सभी तरह के, यानी 0.5 mm से लेकर के बड़े से बड़े साइज़ के आपको ड्रिल्स मिल जाते हैं। शॉप का नंबर है K170, उसके बाद में जो नाम है एयर मशीन टूल्स, यानी कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ड्रिल्स वगैरह, कार्बाइड टिप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जो भी यहाँ पे जो ड्रिल्स होगा वो US से इंपोर्ट होगा, यानी कि USA कंपनी के जो जितने भी ड्रिल्स है आपको दिखाने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शॉप का डैशबोर्ड दिखाते हैं, शॉप के ओनर से मिलते हैं, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर आपको कोई भी कॉमेंट है, किसी तरह का भी कोई सवाल है, आप लोगों के लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाके आप कॉमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई भी टाइम से कर दूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो अभी देख रहे हो आप, ये है शॉप का इंटीरियर, और ये इस टाइप से यहाँ पे ड्रिल्स वगैरह सेल्फ में रखे हुए हैं, और उसके बाद में कार्बाइड इंसर्ट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये शॉप का डैशबोर्ड एयर मशीन टूल्स, उसके बाद में शॉप का नंबर K170, डील्स इन ड्रिल्स, बीट्स, ड्रिल्स, कार्बाइड, बीट्स, ETC, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं। और ये फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर इन पर कॉल नहीं करता है, मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शॉप के अंदर बैठे इनसे मिलते हैं, इनसे सारी चीज़ें पूछूंगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर अंत तक। चलिए इनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ें इनके पास में मिल रही हैं। भैया इधर देख सकते हैं आप, कैसे हैं? मैं भी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा आप ये बताएं कि अपने पास में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इंडस्ट्रियल यूज़ का वैसे सारा ही सामान मिलता है, बोरिंग के लिए और कटिंग के लिए हर चीज़ का सामान है, मतलब ड्रिल्स वगैरह हैं ये बोर करते हैं, और बिट्स वगैरह हैं वो कटिंग के लिए काम में आती हैं। अच्छा, डिजाइनिंग के लिए काम में आती हैं, स्टील्स वगैरह की पाइप में, सर हर चीज़ के जो सामान है आप बताइए आपको। अच्छा, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी ही पूरी करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अच्छा जैसे कि जो ड्रिल्स होती है जो छोटे से छोटे साइज़ की, वो कितने एमएम से मिल जाती है, कितने साइज़ की? छोटे से छोटे साइज़ की मेरे पास मिल जाएंगी 0.5 mm से लेकर 100 mm तक मेरे पास सारी रेंज मिल जाएगी। उसके अंदर जो एक एक साइज, जो मतलब जो साइज शॉर्ट होते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वो कम होते हैं मार्केट में, वो अरेंज करा के वो कस्टमर को पूरे करते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे खूब सारे यहाँ पे ड्रिल्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक मिनट भैया थोड़ा सा, यहाँ पे इंसर्ट्स रखे हुए हैं, और ये देख सकते हो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कटर वगैरह भी रखी हुई हैं, बड़े बड़े ड्रिल्स रखे हुए हैं। और शॉप का इंटीरियर सेल्फ में जितने भी आप ड्रिल्स देख रहे हो, आप ये ड्रिल्स ही क्या है, ये ड्रिल्स हैं, देखो सेल्फ में पूरे जो है यहाँ पे बल्क में ड्रिल्स रखे हुए हैं, और इधर भी देख सकते हो खूब सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अब चलेंगे फटाफट से, तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, कहाँ से दिखाएंगे आप? सर सबसे पहले आप ये देखिए, ये 9.5 mm का ड्रिल है। अच्छा, ये USA मेक है। अच्छा, ये USA से जो माल रिजेक्ट होकर जो माल कंपनी का बल्क में निकलता है ना, जैसे यूज हो जाता है, वन टाइम यूज होता है ये माल। अच्छा, और ये फिर जो है रिजेक्ट होकर यहाँ पर हमारे इंडिया में आ जाता है, जो इंपोर्ट करा लेते हो आप? इंपोर्टर्स जो होते हैं वो इंपोर्ट कराते हैं, हम इंपोर्ट नहीं कराते। ओके ओके ओके, तो ये हमारे पास आपको मिलेगा। इसका जो प्राइस है ये आपको ये पड़ेगा 65 rupees, 65 paise। अगर आप इसको न्यू लेने जाते हो तो ये कम से कम आपको पड़ेगा 200 का 225 का, वो यहाँ नहीं, चावड़ी बाजार में जो मार्केट है वहाँ पे। अच्छा, हमारे पास ये ओल्ड ड्रिल्स की, ये बेसिकली ओल्ड ड्रिल्स की, मीना बाजार जो मार्केट है बेसिकली ये ओल्ड ड्रिल्स की है। अच्छा, तो ये हमारे पास ओल्ड में आया हुआ है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है आपको 65 rupees का पड़ेगा। अच्छा, ये हाई एंड क्वालिटी है। अच्छा, मतलब ये जो है आपका SS पे भी काम करेगा, हार्ड साइड SS होता है, 202 होता है, बड़े से बड़े मटेरियल जो होते हैं इस पे, हार्ड साइड SS स्टील होता है ना, हाई स्पीड स्टील। हाँ, ये हाई स्पीड स्टील का ड्रिल है, SS पे भी काम करेगा, स्टेनलेस स्टील पे। अच्छा, आपका आराम से परफेक्टली काम करेगा। बहुत ही बढ़िया, 65 rupees का दाम है इसका, 65 का दाम है। अब इसी के अंदर आपको अगर से क्वालिटी थोड़ी सी लो चाहिए, हाँ USA में एक ये भी है। अच्छा, लेकिन डिमांड जो ज्यादा रहती है वो ब्लैक एंड व्हाइट की रहती है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, और ये व्हाइट है। अच्छा, USA में एक ये भी है, ठीक है, ये व्हाइट में है। हाँ, इसकी डिमांड थोड़ी कम होती है, तो हाँ, इसका रेट थोड़ा डाउन होता है, ये 55 rupees की रेंज में। अच्छा, ये 55 rupees का, ये 55 rupees की आपको रेंज में मिल जाएगा माल। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपके हार्ट तक जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको बेनिफिट ये मिलेगा इस मीना बाजार मार्केट में कि अगर से आपको आपको बर्मा नहीं चला आपका, हाँ, आपका ड्रिल होल नहीं करता है, बैठ जाता है, धार मर जाती है, तो आपका रिप्लेस भी हो जाएगा, यहाँ इस शॉप पे रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। इस शॉप पे आपको टोटली रिप्लेसमेंट मिलेगी। हाँ, जो चीज हम आपको बता के देंगे कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी उस चीज की हो जाएगी, जो चीज की हम आपकी गारंटी नहीं लेंगे उस चीज की नहीं होगी।
अच्छा, जैसे टूटने की तो कोई गारंटी नहीं होती, बिल्कुल मशीन पे लगा के बर्मा टूट जाता है, क्योंकि वो जो इंजीनियर है वो गलत तरीके से अगर फिट वगैरह करते हैं तो गलती है टूट जाती है वो, तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, धार आगे से बैठ जाती है, बर्मा आपका माल कम काटता है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट है पूरी, ठीक है, काउंटर रिप्लेसमेंट है जी, ठीक है। और इसी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, यूएसए में के अंदर ऑल साइज मिल जाएंगे, 1 mm से लेके 12.7 mm तक, जो आधा इंची होता है, ठीक है, जो ड्रिल चक के अंदर आ जाता है, ड्रिल चक होती है, ड्रिल चक उसके अंदर आ जाता है, पिन वाइज जिसको बोलते हैं, अच्छा। फिर उसके बाद 13 mm से लेके 100 mm तक फिर सॉकेट वाली की रेंज चलती है, जो पीछे से टेपर शैंक होता है जिसको हम बोलते हैं, ओके, कोई कोई सॉकेट वाला बोलता है हिंदी के अंदर और हम इंग्लिश में बोलते हैं टेपर शैंक, ओके ओके, ठीक है। तो इसका आप 55 रुपीस बता रहे हैं, ये वाइड वाले का 55, ठीक है ठीक है, और उसका 65 ब्लैक एंड वाइड वाले, ओके ओके, ठीक है, क्वालिटी दोनों ही एवन होगी, ठीक है। तो ये जो इस सेल्फ के अंदर जो रखा हुआ है इसमें जी, ये सारी 55 वाली रेंज है, और इससे भी हल्का आता है चाइना मेक के अंदर, अच्छी क्वालिटी, अच्छा, ये देखिए मेड इन चाइना, हाँ ये मेड इन चाइना है, ओके, क्वालिटी अच्छी है, मतलब क्वालिटी जो चाइना की क्वालिटी, जिसे चाइना का नाम बदनाम है, हाँ, बिल्कुल ही कूड़ा माल बेचते हैं, हाँ, वैसा नहीं है, अच्छा, उससे अच्छी क्वालिटी है, अच्छा, हाँ, ये भी इम्पोर्टेड ड्रिल है, ये भी अच्छी क्वालिटी है चाइना के अंदर, अच्छा, बढ़िया चीज है आपकी, जो है ये भी स्टील पे काम करेगा, लेकिन उतना हार्ड स्टील पे काम नहीं करेगा जितना एक कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है कि इतना प्रोडक्शन निकाले, ये प्रोडक्शन उतनी नहीं निकाले, ओके, मैंने आपको दो पहले जो क्वालिटी दिखाई थी उसके बिहाफ पे, हाँ, उसके बिहाफ पे ये जो है आपको प्रोडक्शन जरा कम निकाल के देगा, अच्छा जी, मतलब अच्छी चीज होती है, इसका जो रेट है ये 40 rupees के आसपास आ जाएगा, अच्छा, आप ये खुद देखिए 40 rupees और 65 rupees 25 rupees का, हाँ, तो फर्क है, तो फिर उसके अंदर क्वालिटी में भी फर्क, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, कितना आप बता रहे थे इसका रेट, 40 rupees चाइना मेक वाला जो है, चाइनीज होता है वो अपने पास, ठीक है। और उसके बाद में और दिखाइए, उसके बाद में हमारे पास ये पिन वाइज का मैंने आपको बताया था कि 12.7 mm तक चलता है, उसके बाद हमारे पास 13 mm तक, 13 mm से टेपर शैंक की रेंज शुरू हो जाती है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देखिए, हाँ, इसका साइज है 13.6 mm, अच्छा, ये इसको कहते हैं पीछे से टेपर शैंक, ओके ओके जी, ये 13 mm से स्टार्ट हो जाती है और ये 100 mm तक जाती है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, हाँ, वैसे वैसे ये शैंक भी इंक्रीज होगी, ठीक है। 13.5 mm का ये ड्रिल है, ठीक है, ये आपका स्टील तक पे काम करेगा, अच्छा अच्छा, स्टील मटेरियल को अच्छे से सुराग करेगा, हाँ, हाँ, स्टील मटेरियल को अच्छे से सुराग करेगा इसके अंदर। इसमें रेट इसका कितना होगा, इसका रेट आएगा आपको 180 rupees के आसपास, 180 rupees का। साइज कितना था इसका, 13 mm 13.5 mm 13.5 mm, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपको रेट बता दिया है, और उसके बाद में और भी देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में एक आता है 14.5 mm, देखिए, हाँ, ये इसकी जो टेपर शैंक होगी 13.5 वाले से बड़ी होगी, अच्छा, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 13.5 का छोटा होगा, फिर उससे जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे शैंक भी इंक्रीज होगी, ओके। ये इसको हम दो नंबर शैंक बोलते हैं, अच्छा, फर्स्ट नंबर वो होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, देखिए आपको वीडियो में अलग ही अंतर पता चल रहा होगा, हाँ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, फिर इससे भी बड़ी आएगी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे है? वैसे ही इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अब ये इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 250 rupees के आसपास पड़ेगी, ओके, 250 rupees का जी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये यूज, हाँ, हो जाते हैं तो हम कस्टमर से ले भी लेते हैं, अच्छा, ले भी मतलब लेते हैं, जैसे उन्होंने यूज कर लिया इसको 1 inch, अब इसके पास इनका कोई काम नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो आप हमारे पास जो है माल लेकर आइए, आपको अच्छे रेटों में हम वापसी भी ले लेंगे, अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उस, अच्छा, माल का जैसे हम यूज हुए माल का हम इसको जो है पॉलिश वगैरह करा के, फ्रेश वगैरह करा के इसको इस तरीके से कर देंगे, अच्छा, ऐसा भी है जी, अच्छा, मतलब अपने पास मैन्युफैक्चरिंग भी है कुछ? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ सेल एंड परचेज का बिजनेस, सेल एंड परचेज का जी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बस हम इतनी करते हैं जैसे बर्मा आगे से टूट जाता है, किसी कस्टमर का ड्रिल टूट जाता है, वो हमारे पास वापसी लेकर आएगा, हाँ, हम उसको रिप्लेस करके दे देंगे, जो वापसी वो ड्रिल लेकर आएगा, हाँ, हम उसको पॉलिश वगैरह करा के आगे से मुंह वगैरह ठीक करा के, अच्छा, उसकी धार वगैरह लगवा के उसको दोबारा चलने लायक बना सकते हैं, अच्छा, बना सकते देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ही कम है, ये आउट ऑफ कंट्रीज में ज्यादा है जी, बहुत ही बड़े बड़े इंजीनियर वहीं पे हैं जी जी जी। फिर अच्छा। इसके बाद ड्रिल आते हैं, फिर जैसे जैसे साइज मैंने आपको पहले ही बताया इंक्रीज होते रहेंगे तो वैसे वैसे इंक्रीज। अभी 42 mm का ड्रिल है, अच्छा, ये रशियन मेक है, अच्छा, रशियन मेक जी, ओके,
ये रशियन मेक है, इसका कोड आता है P6M5। अच्छा, ये आपको पूरी ब्रांडिंग इसके ऊपर मिलेगी, 42mm साइज, ये इसका लोगो, फिर उसकी कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो सब आपको मिलेगा। ओके, और ये आपका हार्ड साइड SSP, मैंने आपको बताया हार्ड साइड SSP काम करेगा। अच्छा, आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, चाइना का माल बहुत आ रहा है। हाँ, चाइना का माल अच्छी क्वालिटी आ रहा है, नो डाउट, लेकिन चाइना फिर भी चाइना है। हाँ जी, वो उतनी प्रोडक्शन नहीं निकालती, कस्टमर की बेसिकली डिमांड होती है कि प्रोडक्शन निकाले, इसलिए प्रोडक्शन के लिए हमने ये माल रखा है, ये प्रोडक्शन निकाल देगा। बहुत ही बढ़िया, इसका रेट कितना होगा अपने पास? ये 42mm का आपको रेट पड़ेगा 2000 रुपीज फ्रेश का। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे अगर आपको इसमें कटिंग लेंथ का हिसाब आता है। अच्छा, जैसे कस्टमर मांगता है कि तीन इंची कटिंग करनी है, सिर्फ सर 4 इंची कटिंग करनी है, नॉर्मल कटिंग जो आती है वो 8 इंचीज आती है। हाँ, अब कस्टमर 8 इंचीज का चलाएगा 3 इंची की जगह पे, तो वो बर्मा टूटने का भी खतरा रहता है, वो उसका नुकसान है, हम उसको 3 इंची का भी दे देंगे। जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, ये इसकी लेंथ है 8 इंचीज। अच्छा, ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा छोटा। अच्छा, इसकी आती है 6 इंचीज। अच्छा, साइज यही है 42। ओके, लेकिन इसकी कटिंग लेंथ 6 इंचीज है, मतलब अच्छा। कहने की बात ये है कि छोटा, जो अगर से कस्टमर को उसी को छोटा बोर करना है, छोटा ही साइज बनाना है, मतलब ज्यादा गहराई में नहीं मानना है, तो उसके लिए 3 इंची से स्टार्ट होकर 6 इंची 7 इंची 8 इंची 10 इंची 12 इंची तक हमारे पास जाता है। ये लॉन्ग अच्छा। में भी मिलेगा। प्राइस दोनों का सेम है? नहीं, 3 इंची वाला जो होगा वो कम होगा रेंज में, जैसे मैंने आपको 8 इंचीज का रेट बताया, 2000 बताया था, 3 इंचीज का रेट अगर 1200 में भी 1300 में भी, जैसे भी कस्टमर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पुराने की मार्केट है। हाँ, तो यहाँ पे आपको पुराना फ्रेश नया हुआ सब मिलेगा। अच्छा अच्छा, मिक्स होते हैं वो? जी, मिक्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको 42 का दिखाया था। हाँ, 8 इंचीज में। ठीक है, अब मैं आपको 41 का दिखा रहा हूँ 10 इंचीज में। अच्छा, ये कटिंग लेंथ 10 है। अच्छा, इसको किसी को ज्यादा लंबा बोर करना होता है, ज्यादा लंबा बोर पीस करना होता है, तो वो लॉन्ग भी चलाता है। अच्छा अच्छा, हमारे पास आपको लॉन्ग भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, लॉन्ग ड्रिल्स भी होंगे, जैसे लॉन्ग ड्रिल है। हाँ, ये 25mm का है। अच्छा, ये 8 इंचीज है, 25mm की जो कटिंग लेंथ बेसिकली आती है, नॉर्मल कटिंग लेंथ वो 6 इंचीज आती है, लेकिन ये 8 इंचीज में। अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे लॉन्ग भी मेरे पास आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और सारे ही भर में आपको जो है, अगर MS पे चलाने हैं तो मैं चाइना रिकमेंड करता हूँ, कि MS पे मटेरियल सॉफ्ट होता है, चाइना का अच्छा काम करता है। अच्छा, और जैसे ही मटेरियल हार्ड होगा वैसे वैसे मैं आपको हार्ड चीज के लिए बर्मा दिखाऊंगा चलने के लिए। अच्छा, ये जैसे रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर का, उसी हिसाब से बर्मा दिखाएंगे। कस्टमर की नीड को फुलफिल करना हमारा काम है, मैं अभी इसलिए बैठे, बस अच्छे से वो बर्मा चलाना जानता हूँ। जी जी जी, बर्मा चलाना जानता हूँ, बस बस। बहुत ही बढ़िया, और भी बस मतलब बहुत सारे मिक्स आइटम है यहाँ पे, और जितने भी जो यहाँ पे ड्रिल्स हैं वो इम्पोर्टेड है, यानी कि बाहर कंट्री के जो है आपको ये ड्रिल्स यहाँ पे मिलते हैं। इंडियन मेकिंग नहीं होता, इंडियन में तो आप जानते हैं थोड़ा सा अलग चीज है। इंडियन मेकिंग भी होता है, लेकिन इंडियन मेकिंग इतना माल वो निकलता नहीं है, वो बहुत पहले काम होता था इंडियन का, अब इंडियन काम बहुत कम हो चुका है। आज सारा जो रेंज चल रही है, हर लाइन के अंदर हमारी नहीं, इम्पोर्टेड का ज्यादा ही क्रेज है, सारी चीज इम्पोर्टेड आ रही है, मतलब आपको कहने की बात ये है, इम्पोर्टेड आपको सारी चीजें अवेलेबल। अच्छा जी, ठीक है, तो भैया अपना यहाँ पे एकदम ऐसा फिक्स एड्रेस बताओ कि कस्टमर ना गुमराह ना हो, कि यहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, लोग आने के बाद में शॉप तो जानते हैं कि शॉप की वीडियो हमने देखी थी, लेकिन वो गुमराह हो जाते हैं कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो ऐसा फिक्स एड्रेस बताइए कि लोग को आने की दिक्कत ना हो यहाँ पे आपके शॉप पे। सर देखिए, जो आउट ऑफ दिल्ली से लोग आ रहे हैं, लाल किला यहाँ पे सबसे फेमस है। अच्छा, लाल किले पे आने के बाद आपको पूछना है साइकिल मार्केट। अच्छा, साइकिल मार्केट है, आप साइकिल मार्केट के पास आ जाओगे, आप वहाँ पे किसी से भी पूछ लो कि मीना बाजार टूल मार्केट जाना है, मीना बाजार टूल मार्केट, टूल्स मार्केट। जी, साइकिल मार्केट तो ऊपर ही है, मार्केट सारा बेसमेंट में। जी बिल्कुल, ठीक है, आपको जो है साइकिल मार्केट पे खड़ा होके किसी से भी पूछना है कि मीना बाजार टूल्स मार्केट, वो आपको यहीं आके छोड़ा। ठीक है, मीना बाजार टूल्स मार्केट पे आने के बाद आपको K170 नंबर पूछना है। अच्छा, K170 शॉप का नंबर, नाम क्या होगा? AR मशीन टूल्स मेरी शॉप का नेम है। ओके, हाँ, K170 नंबर है। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा, जैसे K170 है ना, तो यहाँ पे 170 भी है सिर्फ, जनरली कभी आप भटक जाओ के 170 पे चले जाओ, यहाँ पे K170 लगाना जरूरी है, K फॉर काइट। ओके, ये K लगाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। और यहाँ पे नियरेस्ट मीटर जो है, यहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका जो है जामा मस्जिद भी पड़ता है। हाँ, और लाल किला भी आपका नियरेस्ट है, लेकिन लाल किला थोड़ा दूर हो जाएगा, जामा मस्जिद नियरेस्ट में मेट्रो स्टेशन। हाँ है, बिल्कुल, मैं प्रेफर करूंगा कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन आप ले नियरेस्ट। अच्छा होगा, सबसे बढ़िया, 5 मिनट की दूरी पे आप यहाँ पे इसलिए आ सकते हो। 2-4-5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, बस बस, इतना ही दूरी का जो है यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, और ये क्या चीजें सर? ये भी कटिंग वगैरह के काम में आती है। ये भी हमने कवर नहीं किया। हाँ, ये देखिए, जैसे ये भी इम्पोर्टेड है USA की। ओके, हाँ, ये वो 1.5 इंची
स्क्वायर बोलते हैं इसको। अच्छा। 19 mm इसकी मेजरमेंट होती है, 19x19। अच्छा। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये गोल्डन कोटेड में है। अच्छा। ये भी हार्ड पे हार्ड चलने के काम में आती है। ये क्या होता है, बेसिकली लोहे के टूल पे ब्रेज होके चलती है। अच्छा। लेथ मशीन पे, ओके, ब्रेज होके चलती है। ये नई जो है, ये न्यू जो आती है वो बहुत महंगी आती है। हाँ। कम से कम इसका न्यू का रेट होगा 300-350 रुपए के आसपास। अच्छा। लेकिन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, ये यूज्ड होकर आई हुई है, लाइट यूज्ड है। हाँ। आप इसको ब्रेजिंग कराओगे, दोबारा धान लगाओगे, दोबारा चलेगी। ओके। हाँ, आपको ये अच्छी प्रोडक्शन निकाल के देगी, ठीक है। इसी तरीके की और भी बिट्स आती हैं। अच्छा, ये है कितने का वैसे? इसकी कॉस्ट आपको 100 rupees पड़ेगी। 100 rupees 19x19 mm वाली। ओके जी। और इसके बाद में कुछ? हाँ, ऐसे इसके बाद आती है चेजर बोलते हैं इसको, लोग चूड़ी के चूड़ी डालने के लिए भी काम में लेते हैं और बेसिकली कटिंग के काम में भी लेते हैं। okay. जैसे आप देख रहे होगे इसके दांते हैं 1, 2, 3, 4, 5। हाँ। तो इसको यहाँ पे वेल्ड करके दांते से चूड़ी भी डल जाती है, जिसमें जो है नट कसने के काम में आती है। okay. इस तरीके से लॉकिंग के काम में जो आती है। हाँ। इस तरीके से, ठीक है। लेकिन किसी किसी को कटिंग करनी होती है, वो उसको अदर साइड से वेल्ड करके अदर साइड से चलाता है, ये भी काम करती है। ये प्योर सॉलिड कार्बाइड रहती है, इसको हम कहते हैं कार्बाइड। कार्बाइड जो हमने पहले आपको जो सारा माल दिखाया था वो हाई स्पीड स्टील था, HHS। ओके। हाँ, ये कार्बाइड है। ओके, ठीक है, ये सॉलिड कार्बाइड रहती है। अगर इसकी ये टूटा हुआ भी है ना, बिल्कुल ब्रोकन जिसको कहते हैं, ब्रोकन बिल्कुल कूड़ा, इसकी स्क्रैप भी आपको जो है 1800 रुपए किलो हम ले लेते हैं यहाँ पे पर केजी। हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको 1800 रुपए किलो बताया, जो कि आज का रेट है। अच्छा। जैसे 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 आप एक महीने बाद मुझे कांटेक्ट करते हो कि मुझे सर स्क्रैप सेल आउट करनी है, जी जी। तो एक महीने बाद का जो रेट होगा वो आपको मैं दूंगा, चाहे वो 1800 हो, 1700 हो या 2000 भी हो। हाँ। वो आपके उस पे बात है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ ऐसे भी यहाँ पे मिक्स टूल हैं, थोड़ा आप जैसे ऐसे जल्दी बता देंगे कि मतलब यहाँ पे और भी चीजें ना, यहाँ पे इंसर्ट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, ये सब उसी काम में आती है सर। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी का डिजाइन अलग है। और उसके बाद में कुछ ग्राइंडिंग टूल्स है। हाँ, ये ड्रेसर होता है, ड्रेसर। हाँ, ये धार लगाने वाली सान आती है। हाँ। उसको सीधा करने के लिए, सान पे धार लगाने के लिए, उसके लिए काम आता है। ये अंदर डायमंड होता है, डायमंड, ये डायमंड होता है। हाँ जी, ये अंदर डायमंड होता है। आप इसे चमक चमकने वाला हिस्सा देख रहा हो ना, ये कोई थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, जी जी। ये डायमंड होता है, सान को सीधा करने का काम आता है। काम सान जिसे को धार लगाने वाली चीज होती है। हाँ हाँ। उसको सीधा करने का काम आता है। ओके ओके। क्या प्राइस होता है इसका? ये सर अलग अलग है, किसी का 80 rupees है, किसी का 120 है, किसी का 150 है, मतलब जैसे जैसे दाना मोटा होता रहेगा। ओके। जैसे देखिए इसकी थिकनेस है। हाँ। ये ज्यादा है, ये बताता बड़ा है तो ये 150 का है। अच्छा। ये थोड़ा छोटा है ये तो ये 80 का है। ओके। इसके बीच का जो साइज होगा 120 का, इस तरीके से। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे सारे साइज के जो भी ये छोटे से बड़े, मुझे लगता है कि 50-50 rupees का होगा। जी जी जी, है ना। तो इसमें मिक्स है टूल से जो है साइज के हैं। और उसके बाद में क्या है, ये जो है होल्डर है, मैंने आपको भी कार्बेट बिट दिखाई थी। हाँ। ये लोहे का सरिया है, ये ऊपर कार्बेट बिट वेल्ड हुई है। ओके। किसी को जो है वेल्डिंग में परेशानी आती है। हाँ। कोई जो है टाइम बचाना चाहता है, वो सिंपली आइए, आपको ब्रेजिंग हुए भी टूल्स मिल रहे हैं, आप जाइए अपनी मशीन पे बांध दिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, इसका प्राइस कितना होता है? ये रेडी टू यूज है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चीज मैंने आपको जो दिखाई थी, अभी इसके अंदर काम करना बाकी है, इसको पहले ब्लेजिंग करवाएगा बंदा। हाँ। धार लगाएगा फिर यूज करेगा। ओके। ये रेडी टू यूज है। अच्छा। अगर इसके अंदर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए। हाँ। तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, फिर आपको बीडी लेनी पड़ेगी। अच्छा 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 जी। क्या इसका प्राइस क्या होता है? ये इसका प्राइस है आपको 100 rupees का पड़ेगा। 100 rupees का, 100 rupees का पड़ेगा। ओके। अगर इसकी आप सिर्फ बिट लोगे तो 32 rupees की, 35 rupees की। ओके। स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, जाती है दूर तक। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रिल्स वगैरह भी खूब सारे रखे हुई है ना, तो इसका प्राइस थोड़ा थोड़ा बता देंगे आसपास? सर ये तो मिक्स है। अच्छा। जैसे ये है, ये 4 mm का ड्रिल है। हाँ। ये आपको 15 rupees में भी पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये 10 mm का ड्रिल है, 10 mm जो होता है ये 80 rupees का है। ओके। और ये देखिए 13 mm का ड्रिल है। हाँ। ये आपको 120 का पड़ेगा। हाँ। और ये देखिए, ये सॉकेट में 9 mm का साइज है, गोल्डन, ये आपको 80 rupees का पड़ेगा, गोल्डन। हाँ, ये नाची जापान का है, मैंने आपको अभी बताया था कि यूएसए का भी माल यहाँ होता है। अच्छा। अगर साहब इस कैमरा थोड़ा पास करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांडिंग हुई है नाची जापान। ओके ओके जी। मतलब कहने की बात ये है, यहाँ पे झूठ बोल के कोई काम नहीं होता, यहाँ पे सारी सच्चाई का काम है। ठीक है। आपको जो भी होगा बता के देंगे। ठीक है। इसका प्राइस कितना बता रहे हैं आप? ये आपको 80 rupees का बताया, इसकी कटिंग एज 1 inch है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको 80 rupees का मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ये कार्बाइड के एंड मिल है। ओके। ये सफाई वगैरह के काम में आते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे किसी को फिनिशिंग चाहिए होती है, उसने बोर मार दिया, फिनिशिंग भर में नहीं थी। हाँ। तो एंड मिल सकता है, सफाई वगैरह का काम आता है। अच्छा। एक्यूरेसी का। उसके बाद में उसमें चूड़ी वगैरह डाल सकते हैं वो कुछ? ये वो बोर बढ़ाने का, ये। हाँ, बोर बढ़ाने का, इस तरीके से काम आता है ये। ओके। पूरे ये भी सॉलिड कार्बाइड है। ओके ओके,
ठीक है, क्या प्राइस होता है इसका? ये 6 mm का प्राइस होगा 120-130 का। ओके ओके। और जैसे साइज बढ़ता रहेगा, जैसे 10 mm में ये 350 रुपए का है, और ये 12 mm का है, ये थोड़ा लॉन्ग में ये 700 का है। ओके। इसके अंदर स्टैंडर्ड आएगा थोड़ा सा छोटा तो 500 का आएगा। ओके ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पे रखे हुए, यहाँ पे ड्रेस मिक्स है। तो आप ये जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप जो है सेकंड पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा, मुझे कमेंट करना होगा, सिर्फ अभी टाइम से कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नए एनर्जी के साथ। ओके दोस्तों, बाय।